आई एम मोनिका एंड वेरी वॉर्म वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल दैट इज लीड अकेडमी आज इस वीडियो में आप इंट्रोडक्ट्री वीडियो है हमारी इसमें आप हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो कमिंग एक्स वाई ग्रुप है उसमें सिक्वेंस ऑफ एग्जाम क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा मार्किंग स्कीम किस तरह से रहेगी और एक्स वाई ग्रुप का सिलेबस किस तरह से रहेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एग्जामिनेशन का सीक्वेंस कैसा रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपके पास ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट दैट इज़ पी ये किया जाएगा थर्ड वन इज़ अडेप्टबिलिटी टेस्ट अडेप्टबिलिटी टेस्ट में आपके पास सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है जिसमें आपके पास सिचुएशन दी होगी और उसके पास आपके पास उस क्वेश्चन के बाद जो सिचुएशन होगी सिचुएशन बेस्ड होगा उसके फोर आपके पास पॉइंट्स दिए होंगे आपको बताने होंगे कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट कौन सा है फिर अडेप्टबिलिटी टेस्ट टू में आपके पास लेक्चर एट और जी कंडक्ट किया जाएगा फोर्थ इज आपके पास नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा और लास्ट में आपके पास लगेगी मेरिट लिस्ट तो ये कुछ सीक्वेंस रहेगा पूरे थ्रू आउट एग्जामिनेशन जो आपके पास एक्स वाई ग्रुप में कंडक्शन होगी ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास कैसे एग्जाम पैटर्न रहने वाला है एग्जाम पैटर्न में आपके पास अगर मैं देखूं एक्स ग्रुप के लिए यानी कि जो साइंस स्टूडेंट जिसके लिए अपियर हो सकते हैं आपके पास सब्जेक्ट रहेंगे इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ओके इंग्लिश में आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे ट्वेंटी मैथमेटिक्स में ट्वेंटी फाइव और फिजिक्स में भी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन रहेंगे टोटल मार्क्स अगर आप इन सबको देखोगे सारे सब्जेक्ट्स को तो वो होंगे सेवेंटी और मिनट्स टाइम आपको दिया जाएगा एग्जाम के लिए सिक्सटी मिनट्स का टाइम ये एक्स ग्रुप के लिए यानी कि टेक्निकल ट्रेड्स के लिए ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं वाई ग्रुप के लिए वाई ग्रुप दैट इज नॉन टेक्निकल ट्रेड अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस ग्रुप इस एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं वाई ग्रुप के लिए इसमें अदर देन साइंस जैसे कि आप देख भी सकते हो सब्जेक्ट्स कौन कौन से आएंगे मैथ्स रीजनिंग जनरल अवेयरनेस ये आपके सब्जेक्ट जो होंगे कितने क्वेश्चन आएंगे थर्टी क्वेश्चन आएंगे आपके पास इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा जिसमें क्वेश्चन कितने आएंगे ट्वेंटी और अगर हम मार्क्स देखें तो मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके फिफ्टी मार्क्स और एग्जाम ड्यूरेशन रहेगी फोर्टी

वन मार्क वुड बी अवॉर्डेड फॉर ईच एंड एवरी करेक्ट आंसर नेक्स्ट जीरो मार्क यानी कि कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा अगर आपने वो छोड़ा है आपके पास किसके लिए हर रॉन्ग आंसर के लिए तो so ये आपके पास स्कीम रहेगी वन थर्ड नहीं हमारे पास कितनी मार्किंग आपके पास नेगेटिव मार्किंग रहेगी पॉइंट टू फाइव दैट इज वन फोर्थ ओके नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास फिजिक्स में क्या क्या सिलेबस आने वाला है तो फिजिक्स में आपके पास ये यूनिट्स मेंशन है जो कि हम कल से ही आपके पास इन सिलेबस पे वर्क करना चालू कर देंगे फर्स्ट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट इसमें आप यूनिट मेजरमेंट डायमेंशन इसके बारे में पढ़ेंगे मैनमेटिक्स में हम सिंपल मोशन स्ट्रेट लाइन में टू में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन में हम लॉज ऑफ मोशन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वर्क एनर्जी एंड पावर

एट थर्मोडाइनमिक्स इसमें आपके पास हीट से रिलेटेड अगर इसमें आपके पास बल्क मैटर में अगर हम सिंपल कर रहे हैं तो हीट से रिलेटेड बाकी की प्रॉपर्टीज थर्मोडाइनमिक्स में कवर हो जाएंगी नाइन्थ बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेज एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज टेंथ ऑसिलेशन और वेव्स डिस्कस करेंगे इसके अलावा आपके पास फिर इलेवेंथ यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस किया जाएगा कूलम स्लो एंड ऑल फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी ट्वेल्थ यूनिट में थर्टींथ यूनिट में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म मैगनेटिज्म में ई एम आई दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट अल्टर ए सी फिर फिफ्टींथ में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेवस को डिस्कस किया जाएगा सिक्सटीं चैप्टर में हम करेंगे ऑप्टिक्स रिवाइज सेवेंटींथ में डूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एटीन यूनिट रहेगी आपके पास एटम्स एंड न्यूक्लियाई और लास्ट यूनिट में हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो दिस वुड बी द होल सिलेबस ऑफ फिजिक्स वी विल बी कवरिंग इसमें से आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइज इस बार डिडक्ट किया जाए गया सिलेबस में तो वो हम नहीं पढ़ेंगे तो दैट मेक्स इट नाइनटीन यूनिट्स तो इसको हम कवर करेंगे बाई टो फ्रॉम टुमोरो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे एग्जाम्स जो अभी आपने देखा है फिजिक्स का सिलेबस को और आपके पास ये पी और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ऑनलाइन क्लासेस के अलावा आपके पास ये हमारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है टारगेटेड बैच के लिए जो कि ऑफलाइन बैच हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया आज से तो जो भी आपके पास आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे टारगेटेड बैच में शामिल हो सकते हैं आपको डेली सिक्स आर की क्लासेस प्रोवाइड होंगी मेडिकल चेकअप की फैसिलिटीज़ भी हमारे पास अवेलेबल हैं फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग भी दी जाएगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके पास यहाँ पे मॉक टेस्ट जो कंडक्ट किए जाएंगे हॉस्टल फैसिलिटी हमारे लीड अकेडमी पे अवेलेबल है ट्वेंटी फोर सेवन गाइडेंस लेके आपको टीचर्स की अगर आप अकेडमी पे आके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अडेप्टबिलिटी क्लासेस आर्मी ऑफिसर से आपको प्रोवाइडेड होंगी जो कि अपने फील्ड में बहुत ही माहिर है तो इन सारे आपके पास अगर एडवांटेजेस को आप देखना चाहते हो लेना चाहते हो तो आप ज़रूर यहाँ पे इंक्वायरी के लिए हमारे पास कॉल कर सकते हैं और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऑनलाइन स्टार्ट क्लासेस आपके पास स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम टमोरो सभी सब्जेक्ट्स की एक्स वाई ग्रुप की ऑन यूट्यूब चैनल लीड अकेडमी अदर फॉर अदर इंफॉर्मेशन अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट है थैंक यू वेरी मच